डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिग्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जाफरपुर स्थित सिक्स सिग्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इंजीनियरिंग के छात्रों को आगे चलकर किस तरह के कार्य करने हैं उस पर भी विशेष वार्ता हुई। इसी दौरान प्रधान आचार्य ललित तिवारी ने कहा कि इंजीनियरिंग दिवस डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और आने वाले समय इंजीनियरिंग का है और आने वाला समय इंजीनियरिंग का है। उन्नत भारत और जीरो एम्बिशन के साथ उन्होंने भारत और सऊदी अरेबिया के बीच हुए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर के समझौते का भी जिक्र किया, जिसके तहत सौर ऊर्जा से बिजली बनाकर भारत सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया भारत को भेजेंगे। 15 सितंबर आज हम इंजीनियरिंग डे मनाते हैं, इसमें सभी भाइयों बहनों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें अच्छे अच्छे मॉडल वगैरह बनाए और उसमें बहुत सारे खेल खिलाए, हंटर वगैरह कुछ भी यानी एक्स्ट्रा, और हमें बहुत अच्छा लगा। बात करें इंजीनियर्स की, आने वाला समय इंजीनियर्स का ही है, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। उन्नत भारत जहाँ तक बात आ रही है 2045 की भारत सरकार की और सारे विश्व की, 2070 तक जीरो एमिशन का मतलब है जहाँ पर कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाले सारी व्यवस्थाएं वो समाप्त हो जाएंगी। उसका एक उदाहरण है कि आने वाले समय में जहाँ तक अभी जो G20 की बैठक हुई थी जिसमें कि एक नया पैक्ट साइन हुआ है सऊदी अरेबिया इंडिया का कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र का, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगा बिना एमिशन के। इसका मतलब जो सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी जब दिन में भारत में बनेगी और सऊदी अरेबिया में जाएगी, और वहाँ जहाँ जब यहाँ पर रात होगी और सऊदी अरेबिया में दिन होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर भारत में आएगा। आने वाला समय 2070 और 2045 वो इंजीनियर्स का ही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।